मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद आज सुबह एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक सड़क हादसे में अमजदुल्ला खान के सीधे हाथ में दो फ्रैक्चर और सर पर चोट के बाद उन्हें यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह वो अपने रिश्तेदार की यादत करने के लिए यशोदा हॉस्पिटल आए और मोटरसाइकिल के जरिए अपने घर जा रहे थे कि अकबर बाग रोड पर सड़क हादसा पेश आया। करीबी जराये के मुताबिक अमजदुल्ला खान की तबीयत बेहतर है, 15 मई को हाथ में फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। सड़क हादसे की इतला के साथ ही मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों में तश्वीश देखी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर हूँ। अमजदुल्ला खान खालिद इस वक्त पर्सन एमबीटी का, आज सुबह में एक्सीडेंट हुआ। वो यशोदा हॉस्पिटल सुबह सुबह आए थे, उनके खलेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, तो आए और जब वापस जा रहे थे यशोदा से तो बाइक पे थे, सुबह में ड्राइवर नहीं था तो कार नहीं थी, उनके पीछे उनके फर्जंद और कुछ लोग थे। चूंकि बहुत दिन से बाइक चला नहीं रहे हैं ये, तो सुबह सुबह नींद में से उठ के बाइक चलाते हुए और एक्सीडेंट हो गया अकबर बाग के पास। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर कोई चीज आ रही थी तो उससे एक्सीडेंट हो गया, जिससे हाथ में दो फ्रैक्चर हो गए। सीधे हाथ के ऊपर दो फ्रैक्चर है, सर के ऊपर जो हेड इंजरी है, अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े हादसे से बचे, लेकिन फिर भी जो है हादसा बड़ा है। पैर के ऊपर भी जो है मार लगे हुए हैं, इंजरी है। तमाम लोग फोन कर रहे हैं और सुबह से जो है कई कॉल्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर मुसलसिल अमजदुल्ला खान के बारे में, उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। यशोदा हॉस्पिटल में मैं यहां पे हूं, अभी मैंने उनसे बात की है, उनकी इजाजत किया है, कल डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे हाथ के फ्रैक्चर्स का। आप तमाम से मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अमजदुल्ला खालिद की सेहतियाबी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में अमजदुल्ला खान को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यशोदा मलकपेट में एडमिट है साहब। अच्छा, कैसी है तबीयत भाई? तबीयत तो ठीक है थोड़ी, मगर राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी करना पड़ता बोल के बोले। अच्छा 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 जी। और कोई थे क्या साहब? कार में हुआ, बाइक पे हुआ साहब? नहीं बाइक पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी तबीयत वगैरह अच्छी है साहब? जी हाँ भाई, अभी 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 एक कोर्स देखा है साहब, अमजदुल्ला खान का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यशोदा मलकपेट में एडमिट है साहब। अच्छा, कैसी है तबीयत भाई? तबियत तो ठीक है थोड़ी, मगर राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी करना पड़ता बोल के बोले। अच्छा 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 जी। और कोई थे क्या साहब? कार में हुआ, बाइक पे हुआ साहब? नहीं बाइक पे। बाइक पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फैस अच्छी तो है ना तबियत भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मैं खजली मुद्दीन सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ, अभी मालूम हुआ तो मैं इसलिए कॉल करा भाई। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त इंशाल्लाह। हैदराबाद में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज कर लिया गया है। वो वोट डालने के लिए मंगलहाट में वाके एसएस के जूनियर कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने पोलिंग ऑफिसर के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर पोलिंग ऑफिसर की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।